हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं हम सब अच्छे होंगे। अभी शाम का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं और आज है 24 तारीख, मंडे है। आज है दीपावली, तो सबको मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए, जा रहे हैं। कुछ तैयारी मैं कर आई हूँ, मतलब और कुछ मुझे करना बाकी है, तो मैंने सोचा चलो पूजा करने से पहले अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो गई हूँ सुबह से, इसलिए मैंने वीडियो भी स्टार्ट नहीं किया होता, क्योंकि काम इतने थे ना, तो फिर ऐसा होता है ना, वीडियो शूट करो तो फिर काफ़ी देर लग जाती है। और मैंने जल्दी से साड़ी पहनी है, तो मेरी साड़ी भी यहाँ से निकल रही है, तो मैं जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई हूँ। और मैंने ज्वेलरी भी कुछ नहीं पहनी, बस सिंपल से दो पेंडल पहन रखे हैं और चूड़ियाँ पहन रखी हैं मैचिंग मैचिंग वाली, और रिंग्स डाल ली है मैंने। और मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं नेल पेंट भी चेंज कर लेती, चलो कोई नहीं। और जैसे भी रेडी हो गई, मतलब हो गई, क्योंकि अभी भी मुझे इतना कोल्ड हो रखा है ना, काफ़ी खांसी और थोड़ा बुखार भी हो रहा है क्या, तो चलो चलती हूँ पूजा की तैयारी करती हूँ। और खाने में तो मुझे कुछ करना नहीं है, क्योंकि खाना तो मैंने मतलब सब्जियां बना दी हैं और पूरी का आटा लगा कर रख रखा है। और तो पूजा करने के बाद में ना, कुछ देर के बाद में फिर बस मुझे पूड़ियाँ तलनी है और कुछ नहीं करना है। बाकी तैयारी मैंने पहले ही कर दी है, क्योंकि ना फिर पूजा के बाद में देर काफ़ी हो जाती है, फिर बाबू पटाखे छोड़ने लगता है ना, तो फिर उसकी वजह से और ज़्यादा देर हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो पूजा के बाद में पटाखे छुड़वाएंगे उसको, और उसके बाद में फिर मैं पूड़ी उतारूंगी, उस फिर खाना लग ही जाएगा, लगे हाथ खिला दूंगी सबको, मतलब उतारती जाऊंगी और मतलब खिला भी दूंगी साथ में। पूजा की सारी तैयारी हो गई है मेरी और दिए भी जला लिए हैं। और लास्ट टाइम मुझे आइडिया आया कि चलो थोड़ी बहुत रंगोली भी बना लेते हैं, तो रंगोली बना दी मैंने सिंपल सी, अब इसमें एक दिया रख दूंगी। पूजा की थाली रेडी कर ली है मैंने, और चांदी के सिक्के भी रख दिए, जो न्यू आए थे वो भी, और जो पुराने होते हैं ना तो उनको भी रख दिया जाता है, क्योंकि दीपावली पे चांदी के सिक्कों की पूजा होती है और लक्ष्मी गणेश जी के साथ, और जो धनतेरस पर सामान लिया जाता है ना, तो ये बर्तन है या मतलब कुछ भी सामान है A to Z, तो उनकी भी पूजा कर ली जाती है। तो मैंने बर्तनों में कॉपर की बोतल और गिलास, और पूजा के लिए दो लोटे छोटे साइज का और एक बड़े साइज का, और एक इडली का स्टैंड लिया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि डबल डबल लक्ष्मी गणेश जी की पूजा क्यों की जा रही है, वैसे तो एक ही की होती है, पर ये है ना क्या मतलब यहाँ पे डबल लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर ली जाती है दीपावली को, फिर एक जोड़ी लक्ष्मी गणेश जी मतलब दुकान पर रख दिए जाते हैं और एक जोड़ी मतलब यहाँ पहरे जाते हैं, तो हमेशा से ही ना दो जोड़ी लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। पूजा हो गई है हमारी, और अभी घर के अंदर दिए भी रख दिए हैं, अब छत पर रखने के लिए गए हैं। ये छत पर रखने के बाद में ये दोनों भाई चक्की में रखने जाएंगे, पास में ही चक्की है तो चक्की पे दुकान पे, और न्यू मकान बना है एक, वहाँ पे रखेंगे। और उस न्यू वाला मकान मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया हुआ है, शेयर करूँगी मतलब किसी दिन। तो उसके बाद में फिर पटाखे फोड़ेंगे, बेटा ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखा है पटाखे फोड़ने के लिए सुबह से, तो दिन में भी वो बहुत ज़्यादा कह रहा था, तो मतलब बहुत सारे मैंने पटाखे दिन में भी उससे मतलब छुड़वाए, तो अभी वो इतना बड़ा नहीं है ना कि हाँ खुद से पटाखे फोड़ सके, तो हम ही लोगों को पटाखे फोड़ने हैं। और उसको तो बस ना पटाखे देख करके और उसकी आवाज़ सुन करके बस खुश हो लेना है, बस इतना ही करना, क्योंकि वो खुद से तो अभी छोड़ नहीं सकता है पटाखे। और उसके बाद में अभी 9:30 बजे का टाइम हो रखा है, इसके बाद फिर मैं खाना लगाऊंगी, क्योंकि वैसे खाना तो रेडी ही है, मैंने सब्जियाँ रेडी करके पहले ही रख दी थी, और बस मुझे पूड़ियाँ तलनी है और कुछ नहीं करना है, तो भूख भी लग रही है बहुत ज़ोरों से। Thank you.
11:30 बजे का टाइमर, पूड़ी उतारना शुरू कर दिया और इतना ज़्यादा लेट हो गए ना हम पटाखे फोड़ते फोड़ते कि अब 11:30 बज गए और अब पूड़ी उतार रहे हैं, बेल करके मैंने दे दी है और ये उतार रहे हैं क्योंकि मैं भी इतना ज़्यादा थक गई ना सुबह से काम करते करते, सुबह से काम में ही लगी थी कभी कुछ कभी कुछ, तो फिर ये इन्होंने कहा कि चलो मैं उतार लेता हूँ। सब्जी में आज मैंने आलू गोभी की सब्जी और सिंघाड़े की सब्जी बनाई हुई है। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो रात ना खाना इतनी लेट हो गया था, 11:30 बज गए थे, लेको जबकि मैंने सब्जियां पहले ही बना कर रख ली थी ना तब भी इतना लेट, क्योंकि पटाखे फोड़ने में ना काफ़ी लेट हो गए और एक पटाखा ना इनके जो बड़े साइज का होता है मतलब जिसको बम भी बोलते हैं तो वो ना इनकी कमर पे आकर लग गया, मतलब बैक हो गया, तो मतलब इतना 1 इंच का इतना बड़ा निशान हो गया है और मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर का मांस भी दिखाई दे रहा है ना उसमें, जो पटाखे होते हैं ना तो उसके अंदर ना वो छोटी छोटी गिट्टी टाइप भरी होती है, तो मतलब एक गिट्टी आके इतनी ज़ोर से लगी कि मतलब टी शर्ट मतलब फाड़ के अंदर स्किन में जाके लग गई, तो बहुत ज़्यादा इनको जलन हो रही थी, तो मतलब एक जलने वाला जो टी होता है ना जले पे लगाने वाला तो मैंने वो लगा दिया था इनके, तो हाँ काफ़ी इनको मतलब सही हुआ मतलब ठीक ठाक लगा इनको, और तो मैंने सोचा चलो अपना वीडियो भी एंड कर लेती हूँ, और रात में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी ना तो फिर मैंने वीडियो भी एंड नहीं किया हुआ था, तो चलो अब मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। तो अगर ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कर दीजिए, नहीं हो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।